Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Vriti, this is my world, this is my channel, this is my space. There are no drum rolls in this video because main drum rolls isliye dalti hu because I am happy, I'm excited and basically drum rolls mere liye ek happy sound hai. Aur aaj ki video banane mein na honestly I am not happy because ये वाली वीडियो ना एक हेल्थ अपडेट होने वाली है घर में सबकी एंड भगवान ना करे यार किसी को ऐसी अपडेट देनी पड़े तो बट मैं आपको बहुत रॉ रियल और अनफिल्टर्ड कुछ बातें बताने लगी हूँ. तो जो लोग बिकॉज मेरे को ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, पीपल वर आस्किंग मी मफिन को क्या हुआ है एंड क्या हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट. सो इट इज़ नॉट ओनली मफिन, मेरी हेल्थ के साथ और भी कुछ हो गया, देन नानू नानी ऑल्सो, बेसिकली काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं. तो आई थॉट आई जस्ट सिट डाउन एंड टॉक टू यू गाइज. मैं अभी नहा के निकली थी तो मेरे ना दिमाग में वही चली जा रहा था कि मैं आप लोगों को ना बस एक बार बता दूँ. तो whoever wants to know what is happening in the house and what has happened to Muffin and घर में क्या क्या चल रहा है, then let's get into the video. Let's go. Okay, first things first. तो Muffin को क्या हुआ है and what is his update? तो सबसे पहले हम मफिन से शुरू करेंगे. चार दिन पहले पृथ्वी ने मुझे सुबह 5:30 बजे चीख मार के उठाया. वो रो रहा था और उसने बोला, वृति मफिन उल्टियां कर रहा है खून की. ठीक है, आई रैन फ्रॉम हियर, मैं उधर गई हूँ, मैंने देखा है मम्मी क्लीन कर रही है. मफिन ने 10-15 जगहों पे अलग अलग थोड़ी थोड़ी उल्टियां करी हुई थी और उल्टी में खून था. ठीक है, तो मैंने ना कुछ कुछ पिक्चर्स और कुछ कुछ चीज़ें ली हुई हैं, वो मैं स्क्रीन पे कहीं पे लगा दूंगी. मैं सब कुछ नहीं डालूंगी, हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये रॉ रखूँ बिकॉज बहुत लोग शायद ग्रोस आउट हो जाएंगे, तो मैं जितना डाल सकती हूँ मैं उतना डाल दूंगी. और मैंने पिक्चर्स इसलिए भी खींची थी कि अगर मैं डॉक्टर को हम लोग समझा नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली आ रहा है, तो मैंने फोटो खींची थी कि मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी कि दिस इज हिज स्टेट. ओके, तो हम लोग सुबह 5:30 बजे 6 बजे मफिन को लेके गए हैं एक इमरजेंसी डॉक्टर के पास. जो मफिन का अपना डॉक्टर है वो 9:30 बजे खुलते हैं, तो सुबह 6 बजे हम इसको इमरजेंसी में लेके गए हैं. वहां पे डॉक्टर ने मफिन को 2 इंजेक्शन दिए हैं और इन्होंने बोला है कि इसको शायद कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो जाएगा. हम लोग मफिन को वापस ले आए. वी केम बैक अराउंड 6:37 ish एंड 9 बजे के करीब मम्मी ने चीख मारी. मफिन ने मेरे बाथरूम में पॉटी कर रखी थी एंड इट वॉज मरून कलर. ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ब्लड ब्लड था उसमें एंड मम्मा रो रहे थे. मैंने वो देखा, क्लीन व्लीन हम लोगों ने किया और पृथ्वी वो मतलब मैं और मफिन को लेके गए हैं सीधा हॉस्पिटल इसके वाले डॉक्टर के पास. नाउ अब डॉक्टर को एक दो चीजें लग रही थी. डॉक्टर ने इसका ब्लड सैंपल लिया एंड डॉक्टर ने इसको 2 ड्रिप्स और 6 इंजेक्शन दिए पेन का, इन्फेक्शन का और काफी सारी चीजों का. आपको शायद उसके अब आवाज आ रही होगी, फाइनली थोड़ा सा भौंकना शुरू हुआ है. गाइज आई के नॉट टेल यू, लास्ट 3 डेज वर सो बैड. मेरे से मम्मी से पृथ्वी से जो भी बात कर रहा था ना, वी वर जस्ट क्राइंग कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया है. ये खेलता उछलता कूदता रहता है एंड पता है ये उठ ही नहीं रहा था, ये इसका सर नहीं उठ रहा था, ये भौंक नहीं रहा था, कोई आता था ये टेल वैक कर देता था. और मतलब हम लोग जितना घर में खेलते कूदते रहते थे ये उतना ही शांत और लेट गया था. एनीवेज हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 2 बार ही बुलाया और उसी दिन इसको ड्रिप्स चढ़ी, इसको इंजेक्शन लगी. डॉक्टर ने बोला कि हमें इसकी किडनी का, इसके लिवर का, इसके इंटेस्टाइन्स का टेस्ट करना पड़ेगा टू सी दैट कुछ और तो नहीं है. देन नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, मफिन को कुछ नहीं निकला. मतलब उसकी किडनीज ठीक है, उसका इंटेस्टाइन्स ठीक है, उसका लिवर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एक चीज होती है जो आजकल बहुत डॉग्स को हो रही है. उसमें डॉग्स आर जस्ट प्यूकिंग, ठीक है, उनकी येलो प्यूक निकल रही है, उनकी पॉटी लूज आ रही है. बट विद मफिन, मफिन बाकी सारे लैब्स से, लैब्राडोर्स से वीक है. मफिन को जब हम लाए थे उसके बाद मफिन 3 बार ही बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है एंड मैं सिर्फ भगवान से थैंक यू करती हूँ. ये जो डॉक्टर मफिन का है, आई विल से ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट
वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली. मतलब इस इन्होंने मफिन को ना एक्चुअली ठीक किया तीनों बारी. एंड इस बारी जो हुआ गाइस, आई कैन नॉट टेल यू, दिस वॉज द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपन टू मफिन. मतलब शायद मैं तो इससे ज्यादा और कुछ सोच नहीं सकती जो मफिन की हालत थी. तो इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है, उसमें इसको इसके ये जब पॉटी कर रहा है इसको खून निकल रहा है, ये वॉमिट कर रहा है. तो फर्स्ट 2.5 डेज हम लोगों ने मफिन को ना खाना दिया, इसको पानी भी नहीं देना था, इसको पानी भी नहीं दिया. तो डॉक्टर्स ने हमें मना कर दिया था कि इसको आपने कोई खाना नहीं देना, कोई पानी नहीं देना, क्योंकि इसको ड्रिप्स जा रही हैं. अगर आप इसको पानी दोगे अंदर जो इन्फेक्शन है वो और शायद ब्लड क्रिएट कर सकती है. तो ये बेचारा हमसे ना पानी मांग रहा था बार बार. एंड इमेजिन आपका बच्चा आपसे पानी मांग रहा है और आप उसे पानी नहीं दे सकते, हमारी क्या हालत हो रही थी. फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला आप इसे ना एक एक दो दो चम्मच करके देना. तो हम इसे एक एक दो दो चम्मच करके पानी पिला रहे थे. उसके बाद फर्स्ट 2.5 डेज 3 डेज ये चला. यस्टरडे वी डिड नॉट टेक हिम बिकॉज वी कुड नॉट टेक हिम. एंड पृथ्वी बिल्कुल बिजी था, हमें कैब्स नहीं मिल रही थी, हमने बहुत मतलब काफ़ी कुछ हो रहा था, काफ़ी कुछ हो रहा है गाइस घर में, ठीक है. उसके बाद यस्टरडे ऑल्सो हमें लगा था कि अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है, लेकिन यस्टरडे ऑल्सो ही पूप्ड 2-3 टाइम्स और उसमें ब्लड निकला है. लेकिन पहले जैसे पूरा ब्लड 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 निकल रहा था, अब ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई है. एंड इट इज जस्ट दैट डॉक्टर्स को ये लगता है कि इसने मफिन ने जब इसको बाहर लेके गए हैं, जब इसको ना पी कराने के लिए पॉटी कराने के लिए बाहर लेके जाते हैं, जब डॉग्स सूंघते हैं, ठीक है, या फिर पेड़ों को सूंघते हैं, इसने गलती से कुछ पॉइजनस चीज लिक कर ली है. एंड इट कुड हैव बीन रियली बैड, लेकिन मफिन इज इम्प्रूविंग, ठीक है. मैं भी सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, ही इज स्टिल वेरी लो इन एनर्जी, वो बेचारा उठ नहीं पाता एंड प्रॉपरली भौंक नहीं पाता, खेल नहीं पाता, लेकिन ही इज मच बेटर वॉट ही वॉज. आई वुड जस्ट आस्क यू गाइज प्लीज उसके लिए प्रे करना वो ठीक हो जाए, बिकॉज ऑनेस्टली वो ना इस घर का दिल है, ठीक है. देर वर टाइम्स दैट मैं मम्मी और पृथ्वी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे थे, पता है, बिकॉज वी वर सो 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 वरिड कि उसको कुछ हो जाएगा. आई कांट टेल यू, मतलब उसको आप मफिन बुलाओ ना, वो एकदम भागता हुआ था और हम इसे मफिन मफिन बोल रहे थे. वो ही वॉज जस्ट पिकिंग अप हिज हेड और वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा था, उसकी टेप भी नहीं बैक कर रहा था. एंड वी गॉट रियली रियली स्केयर्ड. मैं कह रही हूँ बस मैं दुआ दे रही हूँ उस डॉक्टर को जिसने मफिन को ठीक कर दिया, मतलब अभी भी वो ठीक हो रहा है, बट देन ही स्टिल इम्प्रूविंग. एंड मैं उन डॉक्टर का ना आपको ना नीचे ना एड्रेस डाल दूंगी. ट्रस्ट मी गाइज, मफिन के साथ, मफिन बहुत वीक है, मफिन हमारे पास ना बहुत वीक आया था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी मफिन को और सिर्फ उन्हीं डॉक्टर ने मफिन को ठीक किया. एंड ट्रस्ट मी, मैं कहूँगी भगवान का इंसान होता ना हमारी लाइफ में, वो भगवान का इंसान बन के आए हैं. तो दिस वॉज अ अपडेट. तो आज सुबह भी, आज है, आज मंडे है, ठीक है, आज भी हम लोग सुबह मफिन को लेके गए हैं. एंड आज भी मफिन को 2 ड्रिप्स और 6 इंजेक्शन लगे. ओके, तो हर विजिट जब हम लोग मफिन को लेके जा रहे हैं उसको 2 ड्रिप्स और 6 इंजेक्शन लग रहे हैं. अभी तक हम लोग मफिन को 2, 4, 6, about 6-7 times ले जा चुके हैं. तो आप सोचो उसको कितनी ड्रिप्स चढ़ गए होंगे और उसके कितने इंजेक्शन लग गए होंगे. बट सब कुछ, हैविंग सेड एवरीथिंग, वो बस बेटर हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो नॉर्मल. मैं हम लोग ये बोल रहे थे तूने घर में चीज़ें तोड़नी तो चीज़ें तोड़ ले, तेरे को जो चाहिए तेरे को हम वो दे देंगे, बस तू ठीक हो जा. तो दिस इज द अपडेट ऑन मफिन. एंड अगर गाइज आपके पास पेट्स हैं, नॉट ओनली डॉग्स, अगर आपके पास पेट्स हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल. हमें डॉक्टर ने बोला है अब हम मफिन को क्या, अब हम खुद भी जो भी पानी पी रहे हैं ना, चाहे वो आर ओ से निकाल के पी रहे हैं, हम लोग पहले उसे बॉइल कर रहे हैं, उसे ठंडा कर रहे हैं और फिर पी रहे हैं, बिकॉज पानी में भी बहुत खराब पार्टिकल्स आ रहे हैं, इवन आर ओ के पानी में भी. तो अगर आपके पास पेट्स हैं, अगर आप उनको बाहर लेके जा रहे हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ वेयर यू टेक दैम, बिकॉज आज की डेट में बारिशें हैं, गंद है बाहर, प्लांट्स में से पता नहीं क्या क्या निकलता है, वो लोग चाट ना ले. और अगर किसी के साथ अगर ऐसे हो जाए, जस्ट डायरेक्टली टेक योर पेट टू द डॉक्टर,
डोंट वेट एट ऑल. और एकदम से ना सेल्फ कुछ करने मत लग जाना कि हम पानी पिला देते कि कर देते, नहीं, वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है. सो दिस वॉज एन अपडेट ऑन मफिन. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस पहले बोला था ना, क्या कहते हैं कि मैं बेटर हो रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है. उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि यार मेरे को ना वापस ट्रिगर हो गया है. सो नाउ माई कंडीशन इज द पेन हैज इंक्रीज्ड अलॉट. एंड मैं जब बोलती हूँ ना अलॉट, कल फॉर अ वाइल माई लेग गॉट स्टक एंड मुझे इतना पेन हो रहा था. एंड नाउ इट इज नॉट ओनली द नी, इट इज सर्कुलेटिंग इन फुल लेग टू माई हिप. तो रिमेंबर मैंने आपको एक दो कुछ वीडियोज पहले दिखाया था कि मैं एक जगह जा रही हूँ जहाँ पे वो मेरे लेग पे कुछ लगा के इलेक्ट्रिक्यूट कर रहे हैं, मसल स्टिमुलेट कर रहे हैं. तो वहाँ पे जो मैं जा रही थी उस वजह से वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गया. ठीक है, आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स. मेरा ब्रदर पृथ्वी, उसकी एक फ्रेंड है, वो जहाँ पे काम करती है वो पेन स्पेशलिस्ट है. मैं वहाँ पे भी जाके दिखा के आई हूँ. उन्होंने मुझे दोबारा MRI के लिए बोला. सो वी विल हैव टू गो एंड गेट अनदर MRI एंड उसके बाद देखते क्या करना है. मैं इससे ज़्यादा अपने बारे में ना अभी आप लोगों को कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं पता. देर इज़ अ टाइम जब मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. नेक्स्ट मिनट मेरे को क्या ट्रिगर कर जाता है, मतलब मैंने ना एक स्मॉल सा इंसिडेंट दूंगी. मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठी थी कि मैं एक वीडियो शूट करती हूँ एंड मैंने वो वीडियो शूट करी थी कुछ 4-5 मिनट की एंड मुझे इतना शूटिंग पेन शुरू हुआ दैट आई कुड नॉट मूव माई बॉडी. आप जैसे बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रही हूँ, आपकी बॉडी हिलती है, आप बात कर रहे होते हो, मैं इतना भी नहीं मूव कर पा रही थी. एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मैं कहा मम्मी यार मेरे को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं गाइस. क्या डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा, आई डोंट नो. पहले इन्होंने मेरे को पहले ये बोला था कि मेरे को मेनिस्कस टियर है, फिर इन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को कॉन्ड्रोमलेशिया है. तो कॉन्ड्रोमलेशिया क्या होता है, आपका जो ये आपका अगर नी है, नी के ऊपर आप देखोगे एक नी कवर होता है, ठीक है, उसके जो अंदर वाली साइड होती है वो शॉक एब्जॉर्ब करती है. बेसिकली कोई शॉक लग गया या आप गिर गए या आप नी के बल बैठते हो तो वो वाली जो साइड है ना वो डैमेज हो गई है, तो ये बोला. तो अभी क्या सीन है मुझे नहीं पता. वी विल गो एंड गेट द MRI. हम लोग अभी तक वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया. मैं लिफ्ट में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकती. मतलब मुझे जो MRI की मशीन होती है, आपको उसके अंदर जाना होता है ना, जब मैंने अपने पहले पैर का कराया था ना, मेरा मुंह बाहर था, इतना मैं अंदर उन्होंने लिया था और मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी उस टाइम भी. तो अब तो उन्होंने मुझे बोला जिसमें मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. लेकिन मैं, मेरे से वो नहीं हो सकता, मैं वो नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने तो डॉक्टर्स को यहाँ तक कहा था कि आप मेरे को सेडेट कर दो और फिर आप मेरे को कर लेना, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं कर सकते वो. सो नाउ वी फाउंड अ प्लेस जहाँ पे स्टैंडिंग MRI होता है. ठीक है, अगर किसी का सर का है, भगवान करे ना हो, तो उनको जाना पड़ता है, अदरवाइज आपका इतना मुंह बाहर रहता है एंड द बॉडी गोज इन. बट वी वर वेटिंग फॉर माई पीरियड्स टू कम, क्योंकि पीरियड्स में या उसके 21 डेज के ब्रैकेट में आप कर सकते हो एंड करंटली आई एम ऑन माई पीरियड्स. तो मैं उसके बाद आई विल गो एंड आई विल शो इट टू माई डॉक्टर एंड टेक अ डेट एंड डू जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगी. तो ये था मेरा अपडेट. नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू एन अपडेट अबाउट मम्मी. तो मम्मी नानू नानी को भी देख रही है, मेरे को भी देख रही है, मफिन का भी हो गया. मम्मी को पता नहीं, आप लोगों को मैंने कभी बताया कि नहीं बताया, मम्मी हैज एस्थमा और मम्मी को बाय बर्थ एस्थमा है. और मम्मी का एस्थमा इतना खराब है कि वो कभी भी ट्रिगर हो जाता है, और अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो मम्मी को सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है. हमारे पास घर में नेबुलाइजर्स एंड एवरीथिंग सब कुछ है. मम्मी इस कीपिंग herself रियली स्ट्रॉन्ग फॉर everyone, लेकिन एट द एंड एक इंसान जो सबको देख रहा है, ठीक है, आपको आइडिया ही लग जाएगा कि यू नो हमारी माता जब हमारे लिए सारा काम वाम करती हैं बट यहाँ पे बीमार हो रहे हैं सारे, उनको भी देख रही हैं, तो क्या होता होगा. मम्मी को बीच में 3 दिन बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था and she was getting up and working and doing everything. मैं भी कर रही थी, मैं जितना कर सकती हूँ, but
मम्मी इज कीपिंग हर सेल्फ वेरी स्ट्रांग, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ सो दैट यू नो शी कैन टेक केयर ऑफ एवरीबडी अराउंड. तो ये है मम्मी का अपडेट. आई विल जस्ट से गाइज बस ये दुआ करो कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक रहे, बिकॉज माई मदर इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली. आई डोंट नो हाउ, आई मीन आई कैन इवन इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई मदर, नॉट बिकॉज शी इज माई मदर, बट बिकॉज द पावर दैट फीमेल हैज इज रिमार्केबल. मतलब अभी ये मफिन का हुआ था, मेरा हुआ था, मैं आगे बताऊंगी. नानू नानू बीमार है, तो मैं तो एक दिन ऐसे मेरा ब्रेकडाउन हो गया था और मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और मैं पृथ्वी मम्मी को कह रही थी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा. एंड द वे शी हैंडल्ड मी, मतलब यार शायद सबकी माँ कर लेती, मेरी माँ कर रही है ना, तो मैं इसीलिए आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ. एंड शी वॉज क्राइंग हर सेल्फ, शी इज़ नॉट वेल, शी हैज़ एस्थमा, शी ऑल्सो हैज़ नी प्रॉब्लम, बट मम्मी ने एक कंप्लेन नहीं करी. आई मीन कूडोज टू एवरी मदर आउट देयर गाइज, एवरी मदर आउट देयर. तो ये है मम्मी का अपडेट. ये चेंज ऑफ वेदर है तो उसमें ना मम्मी को थोड़ा बहुत अस्थमा का ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी अस्थमा के लिए बहुत 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 खराब है. तो ये है मम्मी का अपडेट. नाउ कमिंग डाउन टू नानू एंड नानी. नानी माँ को है डायमेंशिया. डायमेंशिया ये होता है जिसमें आप भूल जाते हो. नानी माँ इज ओके, अदर देन दैट उनको मेमोरी का प्रॉब्लम है. अदर देन दैट नानी माँ इज फिट एंड फाइन. टच वुड विद नानू. नानू जब से इंडिया आए हैं, नानू एवरी डे वीक हो जा रहे हैं, नानू का वेट लॉस हो जा रहा है, उनका एपेटाइट फिर भी ठीक है, एपेटाइट फिर भी ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी में जैसे एनर्जी होती है ना, तो नानू भी पंप यूज़ करते हैं. तो अब नानू पंप भी नहीं प्रेस कर पा रहे, वो एकदम मम्मी को देते हैं, मम्मी प्रेस करती है एंड देन ही इनहेल्स. तो ये है नानू का अपडेट. ये क्लाइमेट उनकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा. मतलब नानू के अंदर इतनी जान नहीं होती, वो खाना खाते हैं, उठते हैं, वो एक भी राउंड अगर घर का मार लेते हैं एंड उसके बाद ही हैज नो एनर्जी, ही गोज एंड ही लाइज डाउन एंड ही स्लीप्स. एंड वो उस एज में है जहाँ पे ही गेट्स इरिटेटेड ऑन एवरी सिंगल थिंग. एवरी थिंग मतलब प्लेट ऐसे नहीं ऐसे, चम्मच ऐसे नहीं ऐसे ऐसे. विच आई एम, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, वी आई एम जस्ट टेलिंग यू इस टाइम घर का सीन क्या चल रहा है, वेर एम आई बिजी मेंटली एंड फिजिकली, वॉट इज हैपनिंग इन द हाउस. पृथ्वी बेचारा सुबह 8 बजे निकलता है एंड वो शाम को कभी कभी 8 बजे आ रहा है. ही इज़ वर्किंग रियली रियली हार्ड बिकॉज ही इज़ लीडिंग हिज कंपनी. मतलब अपनी कंपनी में वो बहुत अच्छी पोजिशन पर है. एंड ओके, तो ये तो था नानू का. तो नानू इज ऑल्सो नॉट वेल, ही इज, हिज बॉडी इज नॉट रियली इन हिज फेवर राइट नाउ. ठीक है, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको मेडिसिन, सूप, विटामिन, मल्टी विटामिन, च्यवनप्राश, मतलब जितना दे सकते हैं ना, वी आर फीडिंग हिम एंड जस्ट प्रेइंग दैट ही नो. ये पता नहीं यार, बुरा वक्त है, चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. एक उनकी एज भी है, ही इज 92 एंड अ हाफ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी नानू वाली, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप देख लेना. ये था नानू का अपडेट. नाउ कमिंग टू पृथ्वी. तो पृथ्वी को भी बॉडी में पेन्स आना शुरू हो गए हैं. आई हैव नो आइडिया कि हमारी फैमिली में क्या हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई ऊपर से बैठ के ना इज जस्ट ट्राइंग कि बस सब खराब होना चाहिए, सब खराब होना चाहिए. बट माई ब्रदर, ही इज अ फाइटर. ठीक है, एक्चुअली नॉट ओनली माई ब्रदर, वी आर ऑल अ फाइटर्स. मैं इस टाइम, मैं, मम्मी, नानी माँ, सब छोड़ो, मेरा मफिन इज गोइंग थ्रू सो मच फिजिकली एंड मेंटली, बट देन आई एम जस्ट कीपिंग वेरी पॉजिटिव एंड आई एम पॉजिटिव बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ मम्मी एंड पृथ्वी. द स्ट्रेंथ दे गिव मी इज रिमार्केबल. आई के नॉट टेल यू. मैं बहुत बड़ा इमोशनल इंसान हूँ, बहुत बड़ी इमोशनल फूल हूँ मैं, और मेरे को कभी नहीं लगता कि मैं इन दोनों के बिना पता नहीं लाइफ में कभी कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. बट
पृथ्वी इज वर्किंग रियली हार्ड, वो बेचारा सुबह 8 बजे जाता है, रात को कभी कभी जल्दी भी आ जाता है. उसके वर्क टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या है, अगर उसके जहाँ पे वो जाता है उसके शूट्स खत्म हो जाते हैं, उसका काम खत्म हो जाता है, वो अब 2-3 जगह देख रहा है, नोएडा भी देख रहा है, पड़पड़गंज भी देख रहा है, पंजाबी बाग भी देख रहा है, ही इज हेडिंग. तो अगर उसका खत्म हो जाता है वो जल्दी जल्दी भी आ जाता है. तो पृथ्वी भी बीच में उसकी तबीयत ऐसी हो गई थी, उसके भी नीज में ना पेन होना शुरू हो गया था, बिकॉज इज अ फोटोग्राफर और वो बेबीज का करता है, तो वो अपनी नी पे बैठ के फोटोग्राफी करता है. तो उसका भी थोड़ा सा हुआ था, उसको भी डॉक्टर पे लेके गए हैं, एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग मेडिसिन. तो मेरे को आप लोगों को एक ये बहुत ही रॉ अनफिल्टर्ड एक ये वीडियो बना के देनी थी कि आई एम मेकिंग वीडियोज, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माई पावर, बट ये चल रहा है हमारे घर में. सो द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू गाइज इज जस्ट प्रे कि हम सब ठीक रहें. मैं प्रे करूंगी, जो भी इंसान वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, हर इंसान जो नहीं भी देख रहा है यार, किसी को भी ना फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लाइफ में. इट रियली हर्ट्स, मतलब कभी कभी दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, दैट It's just too bad. I just want to tell you guys कि it'll take time. डॉक्टर ने बोला है अभी हफ्ता तो और लगेगा मफिन को ठीक होने में, because infection बहुत ज़्यादा है, and we're just hoping and praying कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उछलने कूदने लग जाए, and that is it. I am just hoping and praying, guys. आप लोग जो जहाँ जैसे हो, please mentally और physically अपने आप को ठीक रखो, जो कर सकते हो वो करो, do everything in your power possible to keep yourself fit. मुझे लगता है कि इससे ऊपर लाइफ में यार, आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप ठीक ही नहीं हो, आप उस पैसे का क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते. तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेरे को आप लोगों को बस ये बताना था. और कोई भी क्वेश्चन होंगे तो नीचे लिख देना, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल.